हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे NHT ग्लोबल कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ। NHT ग्लोबल का कंपनसेशन प्लान बहुत ही सिंपल कंपनसेशन प्लान है और ये इंडस्ट्री का हाईएस्ट डॉक्यूमेंटेड पेआउट वाला कंपनसेशन प्लान भी कहा जाता है, जहाँ पे पीयर कंपनीज ऑन एन एवरेज 36% का शेयर करती हैं, वहीं पे NHT ग्लोबल 45% का अपना रेवेन्यू का शेयर करता है, जो अपने आप में बेस्ट है और डॉक्यूमेंटेड है। अगर मैं कंपनसेशन प्लान की मॉडल की बात करूं, तो यहाँ पर दो टीम्स का कंपनसेशन प्लान है, जिसमें आपको दो टीम्स बिल्ड करनी होती हैं, एक टीम वन एक टीम टू। आप जब कभी भी आप टीम वन में किसी को रिक्रूट करते हैं या टीम टू में रिक्रूट करते हैं, वो आपके अंडर में आपके ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होता है। सो, यहाँ पे काम स्टार्ट करने की अगर बात की जाए तो चार सिंपल लेवल्स हैं। पहला लेवल है प्लैटिनम, दूसरा लेवल है गोल्ड, तीसरा लेवल है एमरल्ड, चौथा लेवल है रूबी। प्लैटिनम लेवल की बात की जाए तो प्लैटिनम लेवल उनके लिए है जो सीरियस बिजनेस की तरह देख रहे हैं, इसको एज अ करियर देख रहे हैं, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म में अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर देम प्लैटिनम इज द आइडियल पोजीशन। गोल्ड उनके लिए है जो बेस्ट पे आउट के हिसाब से देखना चाहते हैं और जो एज अ सीरियस बिजनेस NHT ग्लोबल को पार्ट टाइम में स्टार्ट करना चाहते हैं। एमरल्ड उनके लिए हैं जो प्रोडक्ट्स अच्छे डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं, बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, एज अ नेटवर्क बिल्डिंग में उनको उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। रूबी उनके लिए जो प्रोडक्ट्स ट्रायल करना चाहते हैं या जब जस्ट सिंपली प्रोडक्ट्स की पावर देखना चाहते हैं। इस पैकेज पे आपको इनकम के फॉर्म में अगर आप देखना है तो रूबी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। अगर मैं प्रोडक्ट डिस्काउंट की बात करता हूँ तो आप एज अ प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर आप 30% तक का डिस्काउंट आप उठा सकते हैं प्रोडक्ट्स पे, जबकि एज अ रूबी डिस्ट्रीब्यूटर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं ओवरराइड साइकिल बोन परसेंटेज की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये दो टीम का कंपनसेशन प्लान है, तो यहाँ पे जब आपकी टीम वन या टीम टू किसी में भी आपका 1250 BVs होते हैं, कहीं से भी हो इनफाइनाइट लेवल डीप तक, तो आपका वहाँ पे एक साइड की साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे ही आपने दूसरे साइड में आपका 625 BV होता है तो आपका वन मैचिंग साइकिल हो जाती है। जैसे आपकी वन साइकिल होती है तो वीक साइड का आपको 20% पे आउट मिलता है एज अ प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। आपको एज अ एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको 10% का पे आउट मिलता है और एज अ रूबी डिस्ट्रीब्यूटर आपको 5% का पे आउट मिलता है। अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ तो एज अ प्लैटिनम और गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर आप $125 आप ईच आप में उठाते हैं और आप एज अ एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर में आपको $62.50 मिलते हैं और एज अ रूबी डिस्ट्रीब्यूटर में आपको $31.25 आपको मिलते हैं। नाउ देयर इज अनदर इनकम कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल्स कमीशन, या आप इसको बोल सकते हैं जनरेशन इनकम। डायरेक्ट सेल्स कमीशन का मतलब क्या है, जिस किसी को भी आप टीम वन में या टीम टू में आप रिक्रूट करते हैं डायरेक्टली, वो आपके जनरेशन प्लान में काउंट होता है। सो लेवल वन पे जो लोग भी हैं वो आपके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनके ऊपर आपको लाइफ टाइम आपको वीकली बेसिस पे 10% का आपको उनकी परचेज और रीपरचेज पे आपको कमीशन मिलता है। लेवल टू पे 5% होता है और लेवल थ्री पे 3% होता है गोल्ड और प्लैटिनम आईडीज के लिए। एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ लेवल टू का मिलता है 3% और रूबी डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ वन लेवल डी 3% का मिलता है। नाउ लेवल टू और लेवल थ्री की जो इनकम है वो गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के रीऑर्डर्स के बाद आपको मिलना स्टार्ट होती है। नाउ ट्रू मैचिंग बोनस की अगर मैं बात करूँ तो ट्रू मैचिंग बोनस में ट्रू का मतलब है कि आपको मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर ये मिल रहा है, ना कि बीवीज के ऊपर। तो जब आपको लेवल वन पे और लेवल टू पे और लेवल थ्री पे आपको एज अ गोल्ड और प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर आपको 10% 5% 3% आपको मैचिंग मिलती है, यानी फॉर एग्जांपल लेवल वन पे आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 10 डिस्ट्रीब्यूटर ने टोटल मिला के 1,00,000 रुपये का पे आउट उठाया, तो 1,00,000 रुपये का मैचिंग होता है 10% 10,000 रुपये वो आपको लेवल वन पे मिलेगा। लेवल टू पे फॉर एग्जांपल आपके पास 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो 500 के 500 को जो भी पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका 5% हो गया लेवल टू पे और इसी तरीके से लेवल थ्री पे गया 3%। नाउ इंडिया के लिए उन्होंने यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट किया है और इस प्लान को एक छोटे मोटे चेंजेस के साथ 7 लेवल्स डीप तक इसको एक्सटेंड किया है। बाकी डिटेल्स के लिए आप PDF को स्टडी कर सकते हैं। नाउ फॉर एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर ये 2 लेवल डीप जाता है, ये इनकम 5% और 3%, और एज अ रूबी डिस्ट्रीब्यूटर आपको 1 लेवल डीप सिर्फ आपको ट्रू मैचिंग बोनस मिलता है। नाउ NHT ग्लोबल चूंकि एक ई कॉमर्स कंपनी है सो यहाँ पे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड की जाती है और जिस तरीके से हर एक वेबसाइट का एक एनुअल फीस होता है, उसी तरीके से NHT ग्लोबल की वेबसाइट की भी एक फ़ीस होती है। हालांकि ये बहुत ह्यूज फीस नहीं होती है, जैसा कि नॉर्मली अगर आप अपनी एक ट्रेडिशनल वेबसाइट इस्टेब्लिश करते हैं तो 15,000 से 20,000 रुपये का आपको खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक $50 की नॉमिनल फ़ीस के साथ आप अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं सॉरी। और बैक ऑफिस बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉर प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए लाइफ टाइम आपका बैक ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, यानी आपको कभी भी बैक ऑफिस फीस नहीं जमा करनी होती है। नाउ इन सब के अलावा कंपनी एक एडिशनल बेनिफिट देती है, दैट इज़ कॉल्ड अ सुप्रीम बोनस। सुप्रीम बोनस का मतलब यह है कि जब कभी भी
आप एज अ प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर आप अपनी साइकिल से हिट कर रहे हैं, जब भी कभी भी आप बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पे प्लान के अलावा कंपनी एक्स्ट्रा $50,000 आपको सालाना कमाने का एक्स्ट्रा और मौका देती है, जो आपके सारे पे आउट के अलावा आता है आपको एज अ गोल्ड, एमरल्ड और रूबी, जहाँ पर आपको ये पे आउट नहीं मिलता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मैं आप एनएचटी ग्लोबल के कंपनसेशन प्लान में कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, तो एनएचटी ग्लोबल के पे प्लान में आपको वीकली बेसिस पे पे आउट मिलता है, आपको कहीं पे भी आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आपको प्रोडक्ट बाई करना है, जस्ट आपको आईडी एक्टिवेट रखने के लिए, जस्ट अपने बिजनेस को बचाने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पे कभी भी आपका डीमोशन नहीं हो सकता, हमेशा आपका यहाँ पे प्रमोशन ही पॉसिबल है, यानी कि आप एज अ गोल्ड से आप कभी भी एमरल्ड नहीं बन सकते, बल्कि सिर्फ आप एमरल्ड से गोल्ड पे ही जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्विक इंट्रोडक्शन एनएचटी ग्लोबल के प्लान का आपको एक आइडिया लगा होगा। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आपको जिसने ये ऑडियो शेयर किया है आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।